हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ हीरोन्स फार्मूला। देखो, हीरोन्स फार्मूला हमें किसने दिया था? हीरोन्स एक अप्लाइड मैथमेटिशियन थे, उन्होंने हमें हीरोन्स फार्मूला दिया था। बेसिकली हम हीरोन्स फार्मूला में करते क्या हैं, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, हमारे पास एक बेसिक फार्मूला होता है और हीरोन्स फार्मूला है। तो हीरोन्स फार्मूला कैसे निकालेंगे, बाय हीरोन्स फार्मूला। एक ये था और एक हमारे पास है बेसिक फॉर्मूला। देखो, सबसे पहले हम करेंगे बाय हीरोन्स फॉर्मूला। इसमें हम करते क्या हैं, एरिया फाइंड करते हैं ट्रायंगल का, क्वाड्रेटिल का। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला होता है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है हमारे पास एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब देखो, यहां पर एस क्या है हमारे पास, वेयर एस इज सेमी पेरीमीटर। एस हमारे पास सेमी पेरीमीटर है और ए बी सी ये यहां पर क्या है हमारे पास, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब ये चीज आ गई हमारे पास। अब देखो, सेमी पैरामीटर हम कैसे निकालते हैं, सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला होता है हमारे पास, सेमी पैरामीटर को हम एस से डिनोट करते हैं और फॉर्मूला होता है तीनों साइड्स ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय टू, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय टू। इन सब साइड्स को ऐड करेंगे, डिवाइड कर देंगे टू को। या फिर हम सेमी पैरामीटर को कैसे निकाल सकते हैं, पैरामीटर अपॉन पैरामीटर अपॉन टू। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, सेमी पैरामीटर निकाल सकते हैं। क्योंकि सिंपल हम पैरामीटर निकालते थे, तीनों साइड्स को ऐड करते थे तो पैरामीटर आ जाता था हमारे पास। ठीक है, अब ट्रायंगल कौन सी, ट्रायंगल हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, स्केलेंस ट्रायंगल होती है, राइट एंगल ट्रायंगल होती है। तो सभी जो ट्रायंगल्स हैं उनका हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया। कौन से फॉर्मूले से, हीरोन्स फॉर्मूले से। या फिर हमारे पास क्वाड्रेटियल है, क्वाड्रेटियल कौन से होते हैं, जिनकी फोर साइड्स होती हैं, जैसे ऐसे करके आ गया कोई, ऐसे करके फिगर है। तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, सिंपल डायगोनल को मीट कर दो, ये ट्रायंगल बन गई, ये भी ट्रायंगल होगी। एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बनी, एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल या फिर स्केलेंस बनी। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अलग अलग फिगर पर, जैसे ए बी सी डी। तो ए बी सी इसका एरिया अलग से निकाल लेंगे, ए सी डी इस ट्रायंगल का एरिया अलग से निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, एरिया आ गया हमारे पास क्वाड्रेटल का। ठीक है, अब बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, देखो हमारे पास ये हम यूज करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पर। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, जहां पर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनता है, एक 90 डिग्री का एंगल ए बी सी। तो इसका फॉर्मूला हम कैसे निकालते थे, देखो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हम निकालते थे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यही होता है हमारे पास, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बी इंटू एच, बी मतलब बेस, एच मीन्स हाइट। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल का था। अब देखो, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है हमारे पास, नॉर्मल हमारे पास दो साइड्स गिवन होती है, थर्ड हमें निकालनी होती है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो ये वाली चीज है, इसको हम बोलते हैं बेस, जहां पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो सबसे लंबी लाइन है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। तो हम साइड्स कैसे निकालते हैं, साइड निकालने का फॉर्मूला था बाय पाइथागोरस हम यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती थी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, दो साइड्स गिवन होती हैं हमारे पास, या तो बेस गिवन होगा हाइपोटेनस गिवन होगा तो परपेंडिकुलर आ जाएगा, या फिर परपेंडिकुलर और बेस गिवन होगा तो हाइपोटेनस आ जाएगा। कोई भी दो चीज गिवन होगी, थर्ड हम इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला।